हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। मैं अनीता शर्मा, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये पैटर्न वीडियो बना रहे हैं टू कलर में, स्क्वायर वीडियो, स्क्वायर कैसे बनाएंगे दो कलर से। तो ये बैग में डाल के मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने एक बैग का बेस तैयार कर लिया है, बैग बनाना नहीं बताऊंगी, सिर्फ स्क्वायर बनाना बताऊंगे कि टू कलर हम कैसे यूज करेंगे। तो ये मैंने इसके तीन चार राउंड लगा लिए, तो ये बेस तैयार हो गया बैग का। ये मैंने यहाँ स्लिप स्टिच से इसको यहाँ इस लाइन को ख़त्म कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे आपको फंदे बता देती हूँ। टोटल मैंने फंदे लिए 21। तो हम 5-5 के अकॉर्डिंग लेंगे, जितने का भी स्क्वायर बनाना है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 6-5-3 का बनाना है तो 3 × 3, जैसे 3 × 3 = 5, 5 × 5 = 6, 6 × 6 = 6 करके हम फंदे लेंगे। तो ये मैंने 5 का स्क्वायर बनाना है, तो मैंने 5 के अकॉर्डिंग 5 × 5 = 5 करके मैंने ये 20 + 1, क्योंकि ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया ना, तो 20 + 1 फंदा लिया, मतलब 21 फंदे लिए। तो ये हमारे पास जब हमने इसे बनाया तो ये 20 फंदे हो गए, और 20 और इधर भी 20, पूरा दोनों तरफ से घुमा तो ये हमारे टोटल हो गए 40। टोटल 40 फंदे हो गए ये हमारे। तो इसमें 5-5 का स्क्वायर बनाएंगे हम। अब ये यहाँ मैंने इसे स्लिप स्टिच से, जैसे लास्ट में हम अटैच करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो हम अब इसमें से जैसे हम एक ऐसे बुनते हैं, एक या दो या तीन जो भी हमने बुनने होते हैं स्टिच के अकॉर्डिंग, तो हम इसको नया बुन के हम ये वाली रेड वाली ऊन लगाएंगे। अब इस रेड वन को अटैच करेंगे, देखिए ये रेड वाली वन को हम यहीं से अटैच करेंगे, और अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। तो हम 3 चेन बनाएंगे, ये इसको खींच देंगे, इस वाले धागे को भी पीछे कर लेंगे, और अब ये हमारा जो वाइट वाला धागा है ये भी इसी के साथ चलेगा। तो ये हमारा, ये तो हमने दबाना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है मजबूती के लिए। तो ये हमारा एक स्टिच ये वाला हमारा रेडी हो गया। इसको 1 काउंट करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे 5 टाइम, इसको यहाँ दबाते चलेंगे। वाइट वाले धागे को भी देखिए, ये वाइट वाला धागा भी इसी में दबेगा, और ये अभी थोड़ा दूर तक ये जितना भी एक्स्ट्रा धागा है इसको भी हम दबाते हुए चलेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया 1 इसको काउंट करेंगे, 2 इसको काउंट करेंगे, ये 3 4 5 ये हमारा 5 में देखिए, हमने इसे देखिए डबल क्रोशिया में हमने जब यहाँ पे ऐसे लिया इसे दो बार, यहाँ पे 2 फंदे हमारे बच गए। तो यहीं से हम वाइट धागा स्टार्ट करेंगे, वाइट वाला जो भी ऊन है जो भी आप यूज करते हैं वो स्टार्ट करेंगे। इसको पीछे से ले लेंगे, पीछे कर देंगे इसे, लाल को आगे को ले लेंगे, और इसे भी यहाँ साथ में ही बुनते जाना है। इसे यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, तो इसमें से हम निकालेंगे ऐसे, और इसको थोड़ा सा खींच देंगे, बराबर कर लेंगे। अब ये यहाँ से फिर 5 स्टिच हमने लेने, अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा था ये हमारा ख़त्म हो गया, इसको साइड कर देंगे या इसको हम काट देंगे, इसको हम हटा देते हैं, डिस्टर्ब नहीं होगा। अब ये इसको
देखिए थोड़ा सा पास कर लेते हैं, ये देखिए इसको साथ में लेते हुए ये रेड वाले को ऐसे दबाते हुए चलेंगे और इसको 5 स्टिच हम बोल लेंगे, 1 2 3। देखिए और फाइव, जब हमारा 5 स्टिच आएगा, 5 नंबर का स्टिच आएगा, उसको हमने पूरा नहीं बुनना है, यहीं से हम नेक्स्ट जो हम कलर यूज कर रहे हैं उस कलर को चेंज कर देंगे। इस धागे को आगे रखेंगे और इसको यहाँ से पीछे से ऐसे, अब हम रेड को इसमें से निकाल देंगे ऐसे, और इसको हम दबाते हुए चलेंगे वाइट वाले धागे को। ये अब हम 5 रेड कलर के डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। एक बार बुनेंगे और इसमें 2 जब फंदे रह जाएंगे, इस वाले धागे को आगे रखेंगे और इसको पीछे से यहाँ से ले लेंगे। ये देखिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरह से आएगा, यहाँ से 5 5 5 हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से करके हम इस पूरी लाइन को यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए हमारी पहली लाइन जो फर्स्ट रो बन के रेडी हो गई है, एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट, और ऐसे ही सर्कल चल के हमारा 40 फंदे में वाइट का ही आया है ऐसे गैप। यदि 45 हमारे फंदे होते तो यहाँ रेड के साथ रेड ही आ जाता, तो इसको हमने 10 20 30 40 ऐसे इस तरह से स्टिच को रखना है जिससे कि हमारा सीक्वेंस बना रहे। तो इसको सेकंड रो बना लेते हैं। अब इसमें हम रेड कलर अटैच करेंगे, तो अभी हम वाइट वाले को पीछे रखेंगे, आगे रखेंगे तो लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो दिखाई देगा, तो अभी हम पीछे रखेंगे, इसको अटैच कर देंगे। अभी पहले हम रेड को अटैच कर लेते हैं, रेड को फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और 3 चेन बनाएंगे ऐसे, 1 1 2 3 चेन। अभी हमारे 1 ये हो गई, 3 4 5 ऐसे हम इन पे फंदे बुन लेंगे। ये देखिए थोड़ा पास कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, अब इसको हम वाइट वाले को ऐसे ले लेंगे साथ में, 1 2 3 4 5। फिर से हम यहाँ एक बार बनाएंगे, उसके बाद 2 फंदे बचेंगे तभी हम वाइट वाला धागा अटैच करेंगे। अब हम इसे आगे ही रखेंगे ऐसे, आगे रखेंगे और इसमें वाइट वाला धागा अटैच कर लेंगे, इसको थोड़ा खींच देंगे और यहाँ वाइट के ऊपर वाइट, वाइट फंदों के ऊपर वाइट। आप इसे किसी भी स्टिच से बना सकते हैं, सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, जो भी आपको स्टिच बनाना हो, इसी मेथड यही है।
फाइव स्टिच हो गए हमारे वाइट वाले। फिर से हम यहाँ रेड कलर अटैच करेंगे, ये ऐसे रेड के ऊपर रेड। थ्री फोर फाइव, इस तरह से देखिए। अभी देख लेते हैं इसे कैसे बन के आएगा। ये अब आप हम इसे थ्री थ्री का स्क्वायर कर बनाएंगे, एक लाइन और करेंगे, मतलब इसको थ्री थ्री लाइनें बनाएंगे। फिर हम इसको इधर चेंज कर देंगे रेड को वाइट के ऊपर। तो ये बना लेते हैं फिर बताते हैं आगे क्या करना है। एक लाइन और बनाएंगे इसकी, तीन लाइनें कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वन टू थ्री लाइनें हमारी बन के तैयार हो गई हैं। ये देखिए हम इसमें अब कलर चेंज करेंगे, वाइट के ऊपर रेड, रेड पे वाइट। तो वो हम कैसे करेंगे देख लीजिए। अभी हम वाइट वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट स्टिच है, डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये रेड पे वाइट आना है ना। तो अब हमने ये जैसे पहले हम करते थे कलर चेंज करते थे, यहाँ हमने इसको कुछ नहीं करना, हमने इसको पूरा बुन लिया है। अब हम इसे यहाँ फर्स्ट स्टिच में जैसे अटैच करते आए ऐसे अटैच कर लेंगे वाइट के साथ, ये स्लिप स्टिच से ऐसे। और वन टू थ्री चेन बना लेंगे रेड वाले कलर को। अब इसके साथ दबाते जाएंगे ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव डबल क्रोशिया हमने कर लिए। अब यहाँ पे हम रेड लगाएंगे, तो इसको हमने दो रखा, ये दो फंदे बचे हमारे। अब इस धागे को आगे लाएंगे और रेड वाले को इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। अब रेड वाइट को दबाते हुए रेड कलर से डबल क्रोशिया कर लेंगे, ये वन टू थ्री फोर और ये फाइव, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था इसी तरह से। इसको हम दो बचाएंगे, कलर चेंज करना, हम इसको दो बचा लिया। वाइट कलर चेंज करेंगे यहाँ से ऐसे, वाइट को इसके साथ डबल क्रोशिया करेंगे और रेड को इसमें दबाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए ऐसे, फाइव डबल क्रोशिया करते जाएंगे। यहाँ कलर चेंज करेंगे, वाइट को आगे करेंगे रेड से कलर चेंज करेंगे, वाइट को दबाते हुए इस तरह से हम अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से बनाते हुए हम अपनी तीन लाइनें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से फिर कलर चेंज कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हम वाइट चेंज करेंगे, ये इस तरह से
चेंज हो जाएगा ये अभी से। इसके 1, 2, 3 लाइनें हम जैसे यहाँ बनाई हैं, 1, 2, 3 लाइनें, इसके भी हम 3 लाइनें बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है। ये देखिए, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 लाइनें इसकी भी कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइन अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, एक स्टिच रहता है। अब यहाँ हमने रेड ही लेना है तो इसलिए हम इसे पूरा बुन लेंगे और यहाँ हम इसे अटैच कर लेंगे। वो 3 चेन लेंगे और ये रेड कलर से ही बना लेंगे, लेकिन वाइट वाले को इसमें अटैच करते हुए चलेंगे ऐसे ऐसे, वाइट वाले को इसके साथ। ये ऐसे ये यहाँ वाइट को लगाएंगे अब इस तरह से और ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। ये 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 वाइट हो जाएंगे, ये वाइट पे रेड, इस तरह से चेंज करते जाएंगे।